48,390 करोड़, 12 अंकों का ये नंबर, जरा सोचिए इसके बारे में। ये है वो अमाउंट जो बीसीसीआई को मिला है आईपीएल के 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। सिर्फ टीवी की डील की ही बात करें तो वो हर मैच में 50 करोड़ से ज्यादा की है, और डिजिटल स्ट्रीमिंग तो उससे भी ज्यादा पैसे की है। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं, चलते हैं 80 और 90 के दशक में। क्या आपको पता है कि ऐसा भी एक वक्त था जब बीसीसीआई को मैचेस के ब्रॉडकास्ट करने का कोई इनकम नहीं मिलता था, उल्टे उनको दूरदर्शन को पे करना पड़ता था ताकि वो इंडिया के मैचेस को ब्रॉडकास्ट कर सकें। है ना ये हैरान कर देने वाली बात, लेकिन ये सच है। उस जमाने में बीसीसीआई की इनकम का सोर्स था टिकट सेल्स या फिर स्टेडियम के अंदर लगी हुई एड्स। लेकिन 1990 आते आते ये सब बदलने लगा। अब आप पूछेंगे कि 1990 में क्या हुआ। 1990 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक जेल से आजाद हुए। अब आप सोचेंगे कि नेल्सन मंडेला की आजादी से बीसीसीआई का क्या लेना देना। ये होता है क्योस थ्योरी का बटरफ्लाई इफेक्ट। इसका ये कहना है कि दूर देश में होने वाली घटनाओं का कहीं दूर एक असर हो सकता है, और कई बार ऐसी चीजें जो कनेक्टेड नहीं लगती वो भी कनेक्टेड होती हैं। हुआ ये कि 11 फरवरी 1990 में नेल्सन मंडेला 27 साल के बाद आजाद हुए, और उस दिन को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि वो वहां का रंग भेद और नस्ल भेद की अपार्थाइड पॉलिसी के एंड की शुरुआत थी। 1970 में आईसीसी ने साउथ अफ्रीका की टीम पर बैन लगा दिया था कि जब तक उनके यहां इस तरह की भेदभाव की पॉलिसी चलती रहेगी तब तक वे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। लेकिन मंडेला साहब की रिलीज के बाद साउथ अफ्रीका को वापस आईसीसी में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 1991 में जब साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट खेलना फिर से शुरू किया तो उनका पहला टूर इंडिया के खिलाफ था। डॉक्टर अली बाकर, जो एक जमाने में साउथ अफ्रीका के कप्तान थे और उस समय थे टीम के मैनेजर, उन्होंने बीसीसीआई से ब्रॉडकास्ट राइट्स के बारे में बातचीत शुरू की। अली बाकर चाहते थे कि उनके देश के लोग उनकी टीम का पहला मैच टीवी पर जरूर देख सकें। बीसीसीआई को यह सुनके हैरानी हुई कि ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए उनको पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि अब तक तो वो सिर्फ देते ही आ रहे थे। बीसीसीआई ने सोचा कि इस मीटिंग में वो साउथ अफ्रीका को $10,000 पर मैच चार्ज करेंगे, लेकिन अली बाकर का पहला ऑफर ही $40,000 पर मैच का था। बीसीसीआई ने तुरंत हाँ कर दी, और फिर आया ब्रॉडकास्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव। आज के जमाने में जब ब्रॉडकास्ट डील्स के अविश्वसनीय नंबर्स हम देखते हैं तो ये सोचना मुश्किल लगता है कि एक जमाने में बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर्स को पैसे देती थी। हेलो, मैं हूं आपका होस्ट रमन रहेजा, और स्वागत है आपका 180 नॉट आउट पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। आज का क्रिकेट पहले के जमाने काफी अलग है, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस बदलाव में पैसे का कितना बड़ा रोल है। How much financial security did a sportsman had? And but if in today's day and age it's LLC, it's IPL, you see the see what BCCI does and all that stuff. So I feel at the moment I think I'm pretty happy that the kind of facilities what BCCI has generated and created for the new generation, and that's why cricket has become a religion in India. Players के लिए पैसा बहुत important है, क्योंकि आप दुनिया में जितने भी देखो, दुनिया में जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, 95% वो लोग
पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो उसके साथ उतने पैसे नहीं होते क्रिकेट खेलने के लिए, इसलिए आपको चाहिए कि क्रिकेट में थोड़े पैसे बढ़ाएंगे तो लोग मेहनत करेंगे, एक चांस लेंगे फिर अपने लाइफ के लिए। 2020 came in, the money that was pumped into T20 cricket, you had a lot of guys back home, they'll drop their remarks. I have some past guys that would talk about how we're making money and we're not as good as this and that. And it all happens, but those things never deter me. I always look past them and try to make myself available where I am looking, this is my job and I got to treat it like my job. क्रिकेट का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1844 में यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश एम्पायर के कैनेडियन प्रोविंस के बीच खेला गया, लेकिन ये तो सिर्फ पहला इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय मैच था। क्रिकेट का खेल इससे भी पुराना है, तब से अब तक काफी कुछ बदला है, लेकिन पैसा एक कांस्टेंट रहा है। 18वीं सदी की भी बात करें तो तब भी क्रिकेट में पैसा लगता था। 1735 का एक डॉक्यूमेंट बताता है कि हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस ऑफ वेल्स और अर्ल ऑफ मिडिलसेक्स की टीम्स के बीच में एक मैच हुआ था और उस पे प्राइज अमाउंट था 1000 pounds का। उस जमाने में ब्रिटिश रॉयल्स इन खेलों में काफी पैसा लगाते थे। दोनों टीम्स कुछ पैसा लेकर आती थी और जीतने वाली साइड को हारने वाली साइड का पैसा मिल जाता था। 1720 तक ब्रिटिश के कुछ अमीर लोगों ने प्लेयर्स को हायर करना शुरू कर दिया था, जिनको विनिंग अमाउंट में से एक हिस्सा मिलता था। आने वाले सालों में भी क्रिकेट मैच ऐसे ही प्राइवेट वेल्थ पर चलते रहे। चलिए, इतिहास की बातें बहुत हो गई, मैं आपको बोर नहीं करना चाहूंगा। अब देखते हैं क्रिकेट के इस मॉडर्न डे खेल की तरफ। मैंने क्रिकेट के काफी लेजेंड से बात करी इस बारे में, और सबसे पहले सुनिए एक कहानी वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी टीनो बेस्ट से, जो बताते हैं कि एक जमाने में उनके अंकल जब क्रिकेट खेलते थे तब से अब तक क्या बदला है। Back in the day when my uncle was playing, I remember he used to play a first class game and it was $100. Yeah, $100. Now a guy makes $3 million in 6 weeks playing IPL. क्रिकेट की हिस्ट्री में कुछ ऐसे पल थे जिनकी वजह से क्रिकेट और पैसे की गहरी दोस्ती हो गई। वो कुछ पल जो बिल्कुल खास थे। आघास जब भी हुआ, पर अंदाज तो कैरी पैकर का ही था। 1970 के दशक में वो एक क्रांति लेकर आए जिसने सब कुछ बदल दिया। कलर्ड यूनिफॉर्म, डे नाइट मैचेस, वाइट बॉल और सबसे खास पैसों का तड़का। बस फिर क्या था, क्रिकेट ने मानो हाई स्पीड ट्रेन पकड़ ली हो। उस समय से पहले खिलाड़ी सिर्फ एमेच्योर की तरह से खेलते थे, अब वो प्रोफेशनल्स बनने लगे। कोई और काम करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस क्रिकेट ही काफी था। अब आप सुनिए विक्रांत गुप्ता को, जो एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। क्रिकेट जब शुरू हुई तो टेस्ट मैच पहला हुआ 1877 से, फिर जब भी टेलीवाइज होना शुरू हुआ, मुझे लगता है कि एक इंसान जो क्रिकेट को बदल के गया वो है कैरी पैकर। अगर कैरी पैकर ना हुआ होता, वो वर्ल्ड सीरीज, रेबल वर्ल्ड सीरीज और उसके बाद वो टीवी राइट्स चैनल 9 ने ना लिए होते, आज क्रिकेट जो है वो $1 billion इंडस्ट्री ना होती। उसके बाद सफर बढ़ता रहा और फिर IPL एक अहम पड़ाव था, जिससे BCCI को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस मिला। लेकिन इस फाइनेंशियल सक्सेस का पहला कदम रखा गया था 25 साल पहले, जब 1983 में वर्ल्ड कप जीता था इंडियन टीम ने। क्रिकेट को उससे पहले भी काफी फॉलो किया जाता था, लेकिन उस 1983 की जीत ने मानो एक तूफान पैदा कर दिया हो। उसके बाद से क्रिकेट की दीवानगी कुछ ऐसे बड़ी कि खेल को आज एक रिलीजन की तरह देखा जाता है। 1983 की जीत और 1982 में कलर टीवी का आना, इन दोनों के चलते अब पहले से ज्यादा लोग क्रिकेट को देख रहे थे।
इस आग में थोड़ा और घी डाला गया साल 1987 में जब वर्ल्ड कप इंडिया आया और 1987 में रिलायंस कप हुआ। लेकिन 1983 में इंडियन क्रिकेट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी क्या आपको पता है कि उस वर्ल्ड कप में हर मैच में प्लेयर्स की फीस सिर्फ 1500 रुपए ही मिलते थे और डेली अलाउंस के सिर्फ 200 रुपए। अगर तब से अब तक का इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो आज के ज़माने में ये रकम करीब 24,000 के बराबर होती है। 2024 में जो क्रिकेटर्स प्लेइंग 11 में होते हैं उनको हर वनडे इंटरनेशनल के लिए 6,00,000 रुपए मिलते हैं एज मैच फीस। और तो और इंडिया की टीम जब वापस आई 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो BCCI ने हर प्लेयर को 25,000 का इनाम अनाउंस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफ़ी कम है, लेकिन इस सोच में आप अकेले नहीं हैं। लता मंगेशकर जी इंडियन म्यूजिक का शायद सबसे बड़ा नाम, वो भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी। उन्होंने एक फंड रेजर कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करा और वहां से उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया कि हर प्लेयर को 1,00,000 रुपए दिए गए। वो तो थी तब की बात। आज के दौर में BCCI का कॉम्पनसेशन शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। और तो और BCCI ने 2022 में अनाउंस किया कि वुमेन्स क्रिकेटर्स को भी अब मेन्स टीम जितना पे मिलेगा, जो स्पोर्ट्स में जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तब से लेकर अब तक काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन जो बदलाव का सुनामी IPL लेकर आया उसको लेकर शायद कोई तैयार नहीं था। IPL की महत्वता बताने के लिए मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताता हूँ। मार्च 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, BCCI का टोटल प्रॉफिट $103.4 मिलियन की थी। BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इतना अमीर कि अगर कंपैरिजन के लिए सेकंड रिचेस्ट बोर्ड को अगर देखें तो वो है इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड। उनकी सेम वर्ष यानी कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट था सिर्फ $15.8 मिलियन। IPL की बात पर आगे बढ़ते हुए सुनिए पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का इस कमर्शियलाइजेशन के बारे में क्या कहना है। देखिए पैसा आ गया है, वक्त के साथ जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चीजें चेंज हुई हैं, बिजनेस बन गया क्रिकेट, एक बिजनेस बन गया। पहले एक स्पोर्ट्स थी, अब एक बिजनेस बन चुका है क्रिकेट। कमर्शियल बहुत ज्यादा हो गया, हर जगह दुनिया में लीग्स हो रही है। आई थिंक IPL के होने से, क्योंकि IPL ने ऑनेस्टली सारी लीग्स की आंखें खोली हैं, कि जिस हिसाब से व्हाइट बॉल के अंदर पैसा है। इससे पहले काउंटी क्रिकेट में भी पैसा था, लेकिन वो फिर लंबा सीजन, 6 महीने का सीजन, देन रेड बॉल भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर। उसके साथ साथ फिर मेरे ख्याल में पैसा हर लीग के अंदर, क्योंकि कमर्शियल हो गया, पैसा आ भी रहा था और दिया भी जा रहा था प्लेयर्स को, और जिसकी वजह से प्लेयर्स का इंटरेस्ट, अब अगर मुल्क से नहीं भी खेल रहे तो डिफरेंट लीग्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनको चांसेस मिल जाते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक तरीके से अच्छा भी है। लेकिन साथ में यह है कि मुल्क के लिए खेलना, वो जो एक अचीवमेंट है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुल्क के लिए। उस मुल्क को रिप्रेजेंट करना एज ए एम्बेसडर, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना दुनिया में, वो अलग एक मजा है उस चीज का। लेकिन साथ साथ में क्योंकि लीग्स, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता अपनी टीम्स की तरफ से, तो वो डिफरेंट लीग्स की तरफ से उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और उसमें पैसा भी बनता है उनका, और अपनी फैमिली को उनकी सपोर्ट भी मिलती है। अब सुनिए तिलक रत्न दिलशान को, श्रीलंका के मशहूर विकेटकीपर बैट्समैन, जो बताते हैं हमें IPL से आने वाले फंड्स के बारे में और इन फंड्स से एक क्रिकेटर कितना सिक्योर महसूस कर सकता है। आई थिंक आई गिव यू वन एग्जांपल, व्हेन आई एम सिलेक्ट टू IPL 2008 2020 क्रिकेट इन अ लॉट ऑफ मनी, देन आई डोंट थिंक फॉर आवर कंट्री इज नॉट पेइंग दैट मच मनी, but that money helped me to keep it other problems side. I focus cricket fully. That advantage, definitely advantage, they can focus fully cricket thing is money. Everyone need money to to survive their lives. The thing is, we are doing only one, playing only cricket, we are not doing any other jobs.
I think it's good involving money, paying good for players, then they can keep it other all the side work side, then focus for cricket. A lot of youngsters came through the India, a lot of youngsters coming through. I think that's good if you, anyone in talent should pay and get the maximum out of things people are watching. For my view, I think it's best money involved, one side. But how they adjust for that money, some people are take money quickly, they finish entire career. But if you invest rightly and focus to cricket, I think it's a good thing. Financial security के ही बारे में मैंने बात की हरभजन सिंह से, यानी कि हम सबके फेवरेट भज्जी पा। सुनिए उनका क्या कहना है लीक्स की वजह से आई फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। These leaks have actually helped lot of cricketer, और जिनके पास जॉब नहीं थी वो लिमिटेड ही लोग थे जिनके पास रणजी खेलते थे, जॉब मिलती थी। बट अभी विद दीज लीग्स यू नो एवरीवन फील्स बिट सिक्योर इन देयर लाइफ बिकॉज़ दे हैव यू नो देयर फाइनेंशियल्स आर सॉर्टेड। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है प्लेयर्स में कि क्या हम लीग्स में खेलें या नेशनल टीम में। एनी प्लेयर यू आस्क विल से कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिले या इंडिया, तो वो कहेगा इंडिया के लिए खेलना। और जो कह रहा है कि मैं आईपीएल खेलना है, तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि वो सही रास्ते पे जा रहा है। सो प्लेइंग फॉर इंडिया इज द बिगेस्ट थिंग, बट ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन कैन प्ले बिकॉज 25-30 का ही पूल है। हाँ, और उसमें मतलब आपका लकी होना, सही समय पे ब्रेक मिलना, यू नो वेरी डिफिकल्ट। तो कभी कभार ऐसे देखो रोहित शर्मा जैसा टैलेंटेड बैट्समैन 11 में नहीं खेला, उसको अब जाके मौका मिल रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीत सके। या फिर देखो टेस्ट क्रिकेट की बात करें, व्हेन ही वाज अबाउट टू मेक हिज डेब्यू उसका एंकल बेचारे का उस मैच में इंजरी हो गई, उसके बाद उसका टेस्ट डेब्यू 6 साल बाद हुआ यार। सो दिस इज हाउ यू नो द क्रिकेट हैज गॉन, मतलब एक के बाद एक बंदा लाइन में लगा हुआ है। सो इट्स नॉट ईजी टू गेट इन टू द इंडियन स्क्वाड, बट येस विद द थैंक्स टू दीज लीग्स आईपीएल हो गया, बहुत प्रोसेस फास्ट हो गया और सबको मौका मिल रहा है, एवरीवन इज प्लेइंग। ऐसा ही एक सवाल मैंने टीनो बेस्ट से भी पूछा, सुनिए उनका इस मनी वर्सेस नेशनल प्राइड के डिबेट में क्या मानना है। I want to try to break it down from this point of view. I think economically cricket has been amazing, right? When it comes to pride, there's a very it's very touchy because you still got international cricket going on. You still got guys playing against England, so guys still want to play for West Indies. I think what has happened now is that there are more avenues to be successful. And I think that's a good thing. You may have a guy that may not be able to make the West Indies team, but he's playing first class cricket and he goes to a league and he does well. And all of a sudden he's become the highest paid cricketer in the IPL. And now he's about to play for his national team. So I don't think that the national pride is gone and the guys are not passionate because of the money. I think guys have a more of an avenue to be successful, and I think that is very healthy for any sport. It's like the NBA, it's like the NFL. When a guy don't get draft, he goes and play in the Canadian Football League. When a guy doesn't can't make the Premier League in England football, he goes somewhere else and play in India and build his craft. He go to Japan, he go anywhere. So from an economic standpoint, I think sports have evolved and it's evolved tremendously. ये बात तो साफ है कि आज के दौर में क्रिकेट में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा आ गया है और क्रिकेटर्स को भी अब इसका ज्यादा फायदा मिलता है। लीग्स की वजह से आज के क्रिकेटर्स अब चूज कर सकते हैं कि उनको कहाँ खेलना है और कहाँ नहीं। उनकी एक ब्रांड वैल्यू या फिर टीनो बेस्ट के शब्दों में कहें तो ट्रांजिट वैल्यू होती है जो मेंटेन रहती है। सुनिए टीनो बेस्ट को। So when it comes to burnout, now I think guys can now have the option of saying, I'm going to play in this, now I'm going to not play in that. I'm going to play in Big Bash Australia. I'm just going to do CPL and IPL. So you have an opportunity. They got choice, and life is all about choices. If a guy doesn't have a choice, he's not going to grow. Yeah. So if a guy say, you know what, I'm just going to play two leagues this year. I'm going to play two leagues, CPL, IPL, and play international cricket. It makes him even, it raises his intrinsic value. And that's all that cricket is about. You don't want to play in every league and burn out. That's being selfish. So you don't want to play Bangladesh, West Indies, Australia, this league, the next league.
100, the blast, that is selfishness. I think the really good cricketers pick and choose the tournaments that they want to play in because they want to make sure that their intrinsic value is always high. So a guy going to all these other tournaments and he's not doing well, all of a sudden you don't hear about him because he's being greedy. But you're being well played so well that you don't need to be in every pot. As my grandmother say, you don't need to be in everyone's backyard. Just one or two and you're blessed. So that's the good thing about the cricket in the world. The economic standpoint, a guy can make a living by just playing two tournaments and he doesn't have to rely just on international cricket and stuff. So the game is going to get stronger and stronger. अब ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है तो आजकल जो क्रिकेटर्स हैं वो महज एक प्लेयर्स ही नहीं हैं, एक ब्रांड भी हैं। एंडोर्समेंट और ब्रांड डील्स आजकल हर प्लेयर्स की एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम बन चुकी है। इस बारे में मैंने बात की मोहम्मद कैफ से, जो मुझे बताते हैं कि जब वो खेला करते थे तब उन्हें इस सब की चिंता नहीं थी और सब कुछ मैनेजर्स हैंडल किया करते थे। हमारा एक मैनेजर थे, वो इंडोर्समेंट्स लेके आते थे और हमारे लिए था कि यार इनको ये इनका एरिया है, छोड़ दिया कि भाई जो एक लेके आएंगे हम हाँ कर देंगे। और वी हैड नो आइडिया अबाउट इंडोर्समेंट्स, कैसे यू नो अगर वो ऑफर लेके आ रहे हैं तो भाई प्लेयर, मैं इन्वॉल्व कभी नहीं हुआ। मैंने बोला आपका एक्सपर्टीज है, आप प्रोफेशनल हो, आप देख लो। तो मैंने कहीं पूछा भी नहीं कि कितना पैसा मिल रहा है, क्या है, कितने दिन देने पड़ेंगे साल में। आई हैड नो आइडिया। आई एक्चुअली के फोकस ऑन द गेम, माई ट्रेनिंग, माई प्रैक्टिस, प्लेइंग फॉर इंडिया। नो इट वॉज अलवेज अ प्राउड मोमेंट एवरी टाइम आई वॉक इन टू द फील्ड वेयरिंग दैट इंडिया जर्सी, ब्लू जर्सी, तिरंगा यहाँ लगा के। प्राउड मोमेंट प्लेइंग विद सचिन, ऑल दिस लेजेंड्स ऑफ द गेम, मेरे लिए वही सब कुछ वही था। आई डिडंट केयर अबाउट मनी, कौन स्पॉन्सर आ रहा नहीं आ रहा, ये उनका जॉब है। अब एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप्स की बात आ गई है तो मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है? 1862 में स्पीयर्स और पॉन्ड के नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने डिसाइड किया था कि वो इंग्लिश क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेंगे। उस समय के हिसाब से उनको $15,000 का खर्चा आया। पहला मैच 1862 के न्यू ईयर्स डे पर खेला गया और पहले ही मैच में 15,000 दर्शक आ गए, जिससे उनका पूरा पैसा वहीं वसूल हो गया। ये थी क्रिकेट की पहली स्पॉन्सरशिप। वर्ल्ड कप में भी स्पॉन्सरशिप का लंबा इतिहास रहा है। शुरुआत में प्रूडेंशियल PLC, जो एक इंश्योरेंस कंपनी थी, उसने 1975, 1979 और 1983 के वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किए। फिर जब वर्ल्ड कप इंडिया आया तो आया रिलायंस वर्ल्ड कप के नाम से, और उसके बाद से रिलायंस एक घरेलू नाम बन गया। उसके बाद आए दो सिगरेट ब्रांड्स, बेंसन एंड हेजिस का वर्ल्ड कप 1992 में, और फिर आया विल्स वर्ल्ड कप 1996 में। हर कंपनी का कप अलग होता था, लेकिन 1999 के बाद ICC ने एक स्टैंडर्डाइज्ड और परमानेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस कर दिया, जो आज तक चलता आ रहा है। अभी हम सभी मानते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो खुद से काफ़ी पैसा जनरेट करता है, जो बोर्ड्स की इनकम, स्टेडियम की इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडकास्ट इनकम और प्लेयर्स की सैलरीज में दिखता है। लेकिन क्रिकेट का जो बिजनेस आस्पेक्ट है वो सिर्फ मैदान के अंदर तक ही सीमित नहीं है, एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी है जिसको क्रिकेट से फायदा मिलता है। सबसे पहले देखते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ। आजकल ऐसी स्पेशल एजेंसीज हैं जो फैंस को हॉस्पिटैलिटी पैकेजेस ऑफर करती हैं जब IPL या वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स चल रहे हों। इन पैकेजेस में काफी सारे एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस और मैच टिकट्स इंक्लूड होते हैं। इनमें प्लेयर्स से मिलने का मौका, फोटो सेशंस, डिनर अपॉर्चुनिटीज और कभी कभी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर वाले स्काई वॉक करने का भी मौका मिलता है। कमाल है ना? ये पैकेजेस एक प्रीमियम प्राइस पॉइंट पर बेचे जाते हैं और बड़े क्रिकेट इवेंट्स के आसपास
बनी एक पैरेलल इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। क्रिकेट के प्रति हमारा ये दीवानापन इकोनॉमी को भी बूस्ट देता है, खासकर कि जब बड़े मैचेस होते हैं। 2023 वर्ल्ड कप के दौरान अहमदाबाद के होटल प्राइसेस 2 लाख रुपए तक चले गए थे। शहर के सारे होटल्स, एयरबीएनबी और हॉस्टल्स तक फुल हो चुके थे। अगर आपको याद हो तो उस टाइम एक न्यूज वायरल हुई थी कि कुछ फैंस ने तो हॉस्पिटल बेड्स तक बुक करवा लिए थे ताकि वो अहमदाबाद में रुक सके। इसी तरह आप देखें, जब धर्मशाला में मैचेस होते हैं तो दिल्ली, पंजाब और आसपास के कई इलाकों से काफी लोग वहां आते हैं और उस शहर की इकोनॉमी को एक बूस्ट देते हैं। ये तो हुई फॉर्मल इकोनॉमी की बातें, क्रिकेट से इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी काफी फायदा होता है। स्नैक्स बेचने वाले हॉकर्स, स्टेडियम के आसपास जो छोटी बड़ी दुकानें, और उन लोगों को भी फायदा होता है जो आपके चेहरे पर फ्लैग पेंट करते हैं। फिर आता है क्रिकेट से जुड़ा मर्चेंडाइज। इंडिया में आप किसी भी स्टेडियम में चले जाएं, जहां इंडिया का मैच हो रहा हो, और आपको हर स्टेडियम में एक नीली लहर फैंस की दिखेगी। आजकल लोग मैच के लिए तैयार होकर आते हैं और अपनी इंडियन टीम की जर्सी पहनना नहीं भूलते। आउटलुक बिजनेस की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया जर्सीज की सेल से वर्ल्ड कप 2023 के दौरान लगभग 150 करोड़ का बिजनेस हुआ था। फैन कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप कस्टमाइज जर्सी भी खरीद सकते हैं जिसके पीछे आपका नाम लिखा होगा। और तो और, अगर वापस इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें तो अक्सर स्टेडियम के बाहर आपको लोग डुप्लीकेट जर्सी बेचते हुए दिख जाएंगे, जो आईपीएल की जर्सीज 200 रुपए तक में बेच देते हैं। क्रिकेट से ये सबका फायदा होता है। इसके अलावा एक इंडस्ट्री की बात और करना चाहूंगा, गेमिंग इंडस्ट्री। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के चलते इस इंडस्ट्री को भी इंडिया से खासा फायदा हुआ है। याद है आपको ये वाला म्यूजिक? EA Sports, it's in the game. EA Sports के पुराने दिनों से लेकर स्टिक क्रिकेट की गेम्स तक इंडिया क्रिकेट रिलेटेड गेम्स का एक बहुत बड़ा मार्केट हमेशा से रहा है। लेकिन आजकल देखें तो एक नई तरह की क्रिकेट गेम भी आ गई है, स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग एप्स। ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी आए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसको बहुत सक्सेस मिला है। ड्रीम इलेवन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ड्रीम इलेवन 2008 में फॉर्म हुई थी और 2019 में ये कंपनी बनी थी इंडिया की फर्स्ट फैंटेसी गेमिंग यूनिकॉर्न, और फिर इतना आगे बढ़ गई कि इंडियन टीम की जर्सी के लीड स्पॉन्सर भी बन गए। लगभग 400 करोड़ की डील थी वो। सोर्सेस की माने तो 2022 के साल में क्रिकेट के आसपास फैंटेसी गेमिंग ने करीब 7000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। मुझे तो लगता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस इंडस्ट्री ने शायद 10000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया होगा। क्या आपको पता है कि जब आईपीएल में कोई बड़ा मैच होता है तो उन दिनों ये प्लेटफॉर्म 250 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करते हैं सिर्फ एक मैच से, और जब इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तब हर इंडिया मैच में कम से कम 150 से 200 करोड़ के बीच की रेवेन्यू होती है। और तो और, जब नॉन इंडिया मैचेस जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या इंग्लैंड जैसी टीमें आपस में खेल रही हों, उसमें भी 30 से 40 करोड़ का रेवेन्यू इन फैंटेसी गेमिंग कंपनीज की मैच डे में इनकम हो जाती है। क्रिकेट आजकल एक काफी हाई स्टेक्स गेम बन गया है। वापस आते हैं अब मोहम्मद कैफ पर। वो मुझे बता रहे थे कि आईपीएल की वजह से आजकल जो यंग खिलाड़ी हैं उनके लिए कभी कभी ये बड़ी बड़ी रकमें थोड़ी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। सुनिए इस बारे में उनका क्या कहना है। अभी एक्चुअली थोड़ा सा टाइम चेंज होगा, अभी प्लेयर के गार्जियन भी हो गए, उनके भाई होगा, उनका उनके पेरेंट्स होंगे, उनके पास अलग अलग से मैनेजर भी होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं। तो शायद आजकल दोनों चीज़ देखनी पड़ती है कि भाई स्पॉन्सर आ रहा है तो मैं डीलिंग में इन्वॉल्व हो जाऊँ,
जो कि 19-20 साल के लड़का का, उसको आप 10 करोड़ रुपए दे दोगे, बोलोगे भाई ये आप ना ये आप का संभालो, संभाल नहीं पाएगा, यू नो इट्स अ डिस्ट्रैक्शंस आल्सो सेम टाइम. तो इट टेक्स अ वाइल, 20 साल में वो संभाल नहीं पाएगा, पर 21-22-23 साल में गलती हो जाती है, कहीं उसने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी कर गए, पैसे चले गए, तो गलती से सीखता है. कई लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, तो ये मिक्स बैगेज है, मतलब इसको एग्जैक्टली मतलब बोलना मुश्किल है, पर है डिस्ट्रैक्शंस है. इतने पैसे अगर आप किसी को भी दे दोगे कि भाई एक साल मैंने एक छक्का मारा आईपीएल में, अगले साल ऑक्शन में मुझे ना मेरे पास सारे जो फ्रेंचाइज के ओनर सारे पीछे पड़ गए, बिडिंग हो रही, मेरा नाम चल रहा भाई, मेरे लिए ना सब पीछे, हाँ तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसको संभालना मुश्किल काम है. फिर मैंने बात करी 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर सैयद किरमानी साहब से. वो मुझे कहते हैं कि कभी कभी जब प्लेयर्स के पास एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाता है तो दे टेंड टू लूज देयर हेड. सुनिए सैयद किरमानी साहब को. क्रिकेटर्स आर अर्निंग मच मोर देन व्हाट वी थॉट, राइट? सो वी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम नॉट, आई एम वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी टू व्हाटएवर द ऑलमाइटी लॉर्ड हैज ब्लेस्ड मी विद. And I will never ever be prejudiced about it. But at the same time, the youngsters lose their head. You see, they got to be coaches to tell them to build their characters and to look down and see and not overboard with their thoughts. You see, the coaches of today, with due respects, you see, they only look into the video and tell the players how they should apply themselves on the field. It is important how to put and to go a very long way. That is very important by a coach to start with. You see, these are, and then the code of conduct is very, very important. You see, it is the camera, the television, which has done a lot of harm. Now there are a lot of advantages and disadvantages for any activity of life, any innovation, any new concept also, no two ways about it. But at the same time, the coach also should try and build a character of a youngster who has just come into the team or coming in from IPL. They should guide him. The code of basic ethics is what is very important. Basic conduct. लेकिन क्या बहुत ज्यादा पैसा एक कॉन्सेप्ट भी है? ये क्रिकेट का एक काफी आम क्रिटिसिज्म है कि क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है. मैंने इस बारे में बात करी सीनियर जर्नलिस्ट के आर नायर साहब से. सुनिए वो क्या कहते हैं. डस एनी टॉप फिल्म स्टार व्हेन दे चार्ज सम क्रोर्स एंड क्रोर्स एनीबॉडी से दैट You are making too much of money. You are charging too much of money. How can somebody pay a cricketer the huge amount unless cricket is earning money? When cricket is earning money, definitely the cricketers deserve the money. So then once the cricketer gets the money, how he manages his what do you call the status? His determination and everything, because distraction can be very big. Because a man who commuted only for cricket, played cricket, he has business dealings to do, he will have managers, he will have that thing. Focus on cricket should not go away. Nair saab ne ye bhi kaha ki advertising ek dusri major income source ban gayi hai aaj ke players ke liye. उन्होंने बात करी फारूक इंजीनियर और कपिल देव की, जो अपने जमाने के वो स्टार क्रिकेटर्स थे जिनके पास एडवर्टाइजिंग डील्स थी. उनके मुकाबले आज देखिए, जब नेशनल टीम का लगभग हर प्लेयर किसी ना किसी एड में आपको दिखेगा. The years ago, the cricketers, they did not have money. They had only one focus, that is to come and play cricket. Whatever money that is played. But today, a cricketer is a brand. At those times, you must think, there was only engineer who had built Brill Dream. And maybe after some time, Kapil Dev gave a jawab nahi came. But now, every cricketer,
let us Rohit Sharma, Bumrah, or anybody for that matter, is a product, is an advertising product. Why is it? Because cricket is popular. So then even if you don't pay cricketers money through cricket, they will earn money through advertising. Lekin cricket mein jo paisa aata hai, uska ek trickle down effect hota hai. ऊपर से लेकर नीचे तक सबको फायदा होता है, चाहे वो प्लेयर्स की सैलरी हो या सपोर्ट स्टाफ या मैच ऑफिशियल्स या फिर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, सबको फायदा हुआ है। इस बारे में मैंने बात करी पूनम मेहरा, जो एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। इन इंडिया सर्टेनली द मनी दैट हैज कम इन हैज हेल्प्ड has had a trickle, has had a cascading effect on the fortunes of the players per se. All this in development of infrastructure plus players getting better salaries for playing domestic cricket or showing up for the national team as well, their contracts becoming bigger every year. All this does happen because the board is earning more and more through various avenues, broadcast rights included. And since we have such a huge populace and interest for cricket will never die in this country, I believe, as such, no matter how we do on the field. So it does help the grassroots level as well. When you have players from small towns coming up and doing so well at the national level, even during this test championship, we saw guys like Dhruv Jurel or guys like Yashasvi Jaiswal. They are not coming from privileged backgrounds. They are coming from the hinterlands. And what is motivating them? What is helping them convince their families that give us a shot? The money. And unless you have that money, you will not attract this kind of talent. पैसे से ना सिर्फ financial security आती है, लेकिन एक नया जोश भी आता है, जिससे नौजवान खिलाड़ी खेलने की तरफ आकर्षित होते हैं। सुनिए इस बारे में पॉल कॉलिंगवुड, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, क्या कहते हैं। यंगस्टर्स नीड हीरोज टू लुक अप टू से आई वांट टू बी दैट पर्सन एंड इफ पीपल हैव गॉट यू नो मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अ स्पोर्ट दैट दे लव डूइंग देन दैट्स फैंटास्टिक यंगस्टर्स वांट टू बी देयर सो पार्टिसिपेशन लेवल्स होपफुली यू नो कम आउट ऑफ all these players that are making a lot of money. So I think it's important. I think it's great for the players. They're very much more independent now. They don't necessarily need only to have international cricket, for example. There's a lot of opportunities for them to travel around the world, play franchise cricket. The landscape of cricket is superb at the moment, and it's only going to keep growing. You know, there's more and more opportunities for both sponsors, the commercial side, and the game to grow even more around the world, in America as well. So we'll have to wait and see what comes up. But I can imagine in 10 years' time, cricket's going to be a huge sport in the world, which it is now, but all the way around the world. Cricket ka ye safar to bada lamba aur intense raha hai. Ek aisa khel jise bas chand log dekhte the ek maidan mein khade hokar. वहां से एक ग्लोबल जायंट जिसे करोड़ों लोग देखते हैं और कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सफर काफी शानदार रहा है। एपिसोड के एंड में अब मैं आपको एक कोट सुनाना चाहूंगा जो टाइगर पटौदी के नाम से मशहूर इंडियन लेजेंड और कैप्टन मंसूर अली खान पटौदी साहब ने 2010 में एक लेक्चर के दौरान कहा था। इफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC इज द वॉइस ऑफ क्रिकेट, देन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI इज द इनवॉइस ऑफ क्रिकेट। आज अगर हम इंडियन क्रिकेट में रेवेन्यूज को देखें तो टाइगर का ये स्टेटमेंट 100% सच बैठा है। आपने सुना कि लेजेंड्स और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, अब है आपकी बारी, आपके व्यूज एक्सप्रेस करने की बारी। सब्सक्राइब करिए 180 नॉट आउट को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर, और बताइए हमें आपके कमेंट्स कि इस हफ्ते के एपिसोड्स के बारे में आपका क्या कहना है। मैं हूं आपका होस्ट रमन रहेजा,
और मैं मिलूंगा आपसे अगले सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। From humble beginnings, it started as a game, a battle ball of field and players with no fame. But little did they know.